नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भी दुबई के बारे में। जी हाँ साथियों, भी भैया लगभग कोशिश है 99% जो अपडेट देता है वो देती है सरकार की तरफ से, वो अच्छे ही होते हैं। जी हाँ साथियों, अभी भी अगर बात करें दिसंबर महीने में भी ने कुछ अच्छे फैसले किए हैं जो आप लोगों के लिए भी अच्छे हैं, और भाई जिनके मुसीबत होती है उनके पक्ष में फैसले आते हैं तो उनको बड़े मजे आते हैं सुनने में। वो न्यूज उनका जो खुशी है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ, शेख मोहम्मद, एक मोहम्मद जो आपको पता है कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपाध्यक्ष पता नहीं कितने पद उनके पास हैं, उनकी हम बात करें तो उन्होंने एक नई घोषणा कर दी है। और घोषणा क्या की है भाई, आप सबको पता ही है COVID-19 को देखते हुए वीए में सबसे पहले आपको पता होगा तो टूरिस्ट वीजा स्टार्ट हुए थे, बाकी कंट्रियां सब बैन करके बैठे थे, तब दुबई में स्टार्ट हो गए। दुबई में वीजा स्टार्ट हुए 3 से 4 महीने के करीब टाइम हो चुका है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर भी हम बात करें तो आपको पता है 22-23 दिसंबर को अगर बात करें तो काफी सारी जैसे सऊदी अरबिया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, ये नया जो कोरोना का स्ट्रेन निकल के आ रहा है वायरस का, इसकी वजह से फ्लाइटें बंद कर दी थी। तो एक सिस्टम ऐसा घुमा कि इन कंट्रियों में जाने वाले लगभग लोग दुबई जाते हैं, दुबई में 14 दिन रहने के बाद अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं तो उनके पास 1 महीने का वीजा होता है। जी हाँ, लेकिन अभी और भी बहुत सारे लोग टूरिस्ट हैं सभी देशों के, लगभग वीए में आना चाहते हैं। आप सबको पता है भाई दुबई एक टूरिस्टर हब के तौर पर पहचाना जाता है। सरकार ने यहाँ पे एक अच्छा फैसला लेते हुए जिनके वीजा 1 महीने का वीजा फ्री कर दिया है। जी हाँ, अभी अभी बात करें जो शेख मोहम्मद दुबई के शासक है उन्होंने 1 महीने का वीजा का विस्तार कर दिया। जी आपको पता भाई 31 दिसंबर से अब बंद हो जाएंगे जो भी पीछे का जोड़ जबाड़ा है, सरकार ने साफ मना कर दिया था, लेकिन अभी जैसे वे में लोग जा रहे हैं या फिर लोग जाते हुए डरते हैं कि पता नहीं कल को हम वहां जाएं कोविड की वजह से फ्लाइटें बंद हो जाएं, वीजा एक्सपायर हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो सरकार ने साफ घोषणा कर दी कि अगर अभी जो लोग आएंगे तो उनके लिए 1 महीने का वीजा सरकारी की तरफ से बिल्कुल उसका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, यानी बिना किसी खर्चे के वो एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो जाएगा, तो 1 महीने में आप 2 महीने का मजा ले सकते हैं। जी हाँ साथियों, सरकार की तरफ से ये घोषणा हुई है, ये बहुत ही अच्छी न्यूज उन पर्यटकों के लिए है जिनके मन में भय था, और बहुत सारे लोग जैसे दुबई में है जैसे घूमने के लिए गए हैं या फिर और किसी काम से गए हैं, ये जरूरी है इंडियन ही लोग हैं, बहुत सारे 200 कंट्रियों के लोग दुबई में पहुंचते हैं, वो बेचारे गए वो पता लगे उनके देश की फ्लाइट बंद हो गई तो उनके लिए दिक्कत हो गई ना, तो उनका वीजा 1 महीने के लिए एक्सटेंड हो गया है सभी देशों के लोगों के लिए। जैसे अभी ओमान सऊदी कुवैत वाले मान लीजिए दुबई पहुंचे थे, उनकी तरफ से फ्लाइटें बंद हो गई तो वो क्या करेंगे जी, तो उनको 1 महीने के वीजा पे आए थे तो उनका वीजा 1 महीने के लिए एक्सटेंड हो गया। इंडियन लोगों के लिए भी भाई ठीक है, अच्छी न्यूज ये है, आप 1 महीने कोई सभी ले रह सकते हैं, ये नहीं कि जिस कंट्री की फ्लाइटें बंद हुई है वही रह सकते हैं, इंडियन लोग आप 1 महीने गए आप 2 महीने रह के आ सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा आपके चार्ज लगेगा, और आप 1 महीना एक्स्ट्रा में आप मौज कर सकते हैं, दुबई में घूम सकते हैं या फिर आप किसी भी काम से जा सकते हैं, डबल फायदा आपको वही सरकार ने इसमें दिया है। जी हाँ साथियों, 2020 जाते जाते आपके लिए अच्छी न्यूज है, आने वाले टाइम पे सरकार ने घोषणा की कि भाई हम जो विजिटर्स आएंगे उनके लिए अच्छे अच्छे प्रयास करेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए या और भी उनको बेहतर सुविधाएं हम दे सकें उसके ऊपर हमारे प्रयास जारी हैं, तो ये भी एक अच्छी न्यूज है टूरिस्ट लोगों के लिए। बस ये जानकारी आपको देनी थी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।